मध्य प्रदेश के सिरोंज में अतिथि शिक्षकों के घोटाले को लेकर युवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में अध्यक्ष जितेंद्र बघेल ने बताया कि सिरोंज जनपद शिक्षा केंद्र के शिक्षकों द्वारा अपने परिजनों को अतिथि शिक्षक बनाकर लाभ दिया जा रहा है, साथ ही कागजों में उपस्थिति डालकर वेतन निकाला जा रहा है, जबकि मौके पर अतिथि शिक्षक पहुंचते ही नहीं है और ना ही बच्चों तक जानकारी पहुंचती है। सिरोंज से संवाददाता रिंकू सुमन की रिपोर्ट। आपके माध्यम से अभी ये संज्ञान आया है मेरे, और मैं इसमें निष्पक्ष जांच कराऊंगा और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो निरीक्षण करने जाते हैं वो बीआरसी टीम जाती है, हम उनसे बात करके और संज्ञान में मामला आया तो जाँच करा रहे हैं। अभी शिक्षा विभाग के अनियमितताओं को लेकर शिकायत की है, अतिथि शिक्षक जो भर्ती हुई है उसमें एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। पूरा मामला ऐसा कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें कि अतिथि शिक्षकों के नाम से फीस निकल रही है, ना तो वो स्कूल पहुंच रहा है ना ही उनकी योग्यता है, इसके बाद भी उनको अतिथि के रूप में रखा जा रहा है। प्रशासन से मांग की जाए कि उन अतिथि शिक्षकों पर कार्रवाई की जाए, उनको निलंबित किया, और जिन जिन सक्षम अधिकारियों के द्वारा ये काम किया गया उनको भी निलंबित किया जाए।